हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन फ्लेवर फेस्ट। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्पाइसी पनीर पराठा। आज सुबह मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मम्मी ने बोला कि चलो बनाते हैं एक स्पाइसी पराठा जो हम ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और इवनिंग स्नैक और डिनर में भी खा सकते हैं और चटपट से ये बन जाता है और इसके लिए आसान तरीके से थोड़े बहुत इन्ग्रीडियंट्स लगते हैं। चलिए बनाते हैं स्पाइसी पनीर पराठा। सो गाइज, देख लिया आपने कितने कम इंग्रेडिएंट्स मैंने लिया है। यहाँ पे ले लिया मैंने चॉप्ड गार्लिक और चॉप्ड चिली, उसके ऊपर ले लिया मैंने चॉप्ड ऑनियन है यहाँ पे, और पनीर मैंने क्रश करके रख दिया है, और यहाँ पे मैंने ले लिया है उबले हुए आलू को मैश करके रख दिया, और उसके बाद मैंने आटा ले लिया, मल्टीग्रेन भी यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा नमक। चलिए बनाते हैं। चलिए दोस्तों, बना लेते हैं इसका स्टफिंग। पैन भी गर्म हो गया है, अब हम यहाँ पे डालेंगे सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल थोड़ा गर्म होने के बाद हम डाल देंगे गार्लिक चॉप्ड एंड जिंजर चॉप्ड। हमने थोड़ा जिंजर भी यहाँ पे ऐड कर दिया है, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। फिर हम यहाँ पे डालेंगे ग्रीन और रेड चिली चॉप्ड और उसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को विज़िट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब डाल देते हैं यहाँ पे चॉप्ड ऑनियन, तो इसे अच्छे से फ्राई करना होगा। ऑनियन अच्छे से फ्राई हो गया है, अब मैं ऐड करूंगी इसमें स्मैश्ड पनीर। तो अच्छे से इसे मिलाना होगा और अच्छे से इसको भी फ्राई करना होगा। अब लास्ट में जो जाने वाला है वो है उबले हुए आलू, और इसमें नमक देके उबाला था इसलिए मैं कोई और इन बिटवीन सॉल्ट नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा ही सॉल्टी हो गया था आलू, तो इसलिए एक्स्ट्रा और सॉल्ट मैंने ऐड नहीं किया। तो इसे अच्छे से फ्राई करना होगा। जब आप देख सकते हैं कि इसका जो पानी है चला जाएगा तो समझिएगा कि ये स्टफिंग के लिए तैयार है। तो ये स्टफिंग को आपको थोड़े देर के लिए ठंडा होने के लिए रखना होगा। चलिए पराठे के लिए क्या लगेगा। पराठे का डो के बनाने के लिए हमें लगेगा सनफ्लावर ऑयल, और यहाँ पे मैंने ले लिया है आटा। आटा आप मल्टीग्रेन भी ले सकते हैं और हेल्दी ऑप्शन है वो, और पानी लगेगा थोड़ा। चलिए बना लेते हैं इसका डो। पहले मैं ऐड करूँगी यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल और इसको अच्छे से मिलाऊँगी, फिर पानी ऐड करके इसका डो बना लूँगी। सो मेरे आटा का डो बन के रेडी है। अब इसमें हम स्टफ़ करेंगे पनीर और आलू का जो हमने स्टफिंग बनाया था उसको। तो छोटे छोटे बॉल बना लेंगे, उसके अंदर हम स्टफ़ करेंगे पनीर आलू और फिर इसे पराठे की तरह फ्राई करेंगे। चलिए करते हैं। सो चलिए अब बना लेते हैं गर्मा गर्म पराठे। तो गर्म गर्म पराठे बनाने के लिए पैन भी हमारा रेडी हो गया है गर्म होके। इसमें मैंने थोड़ा सनफ्लावर ऐड कर दिया,
तो सनफ्लावर ऑयल थोड़ा हीट अप हो गया है, उसके बाद मैं थोड़े पैन के चारों ओर दिशाएं दिशाएं स्प्रेड कर रही हूँ, क्योंकि पैन में एक नॉनस्टिक का फीलिंग हो जाए, क्योंकि ये आयरन का पैन है और पराठे चिपके नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाए। चलिए ये गर्म हो गया है तो अब हम इसमें पराठे सेक लेते हैं। बन के रेडी हो गया है हमारा स्पाइसी पनीर पराठा। तो आप इसे टमाटो केचप और पुदीने की चटनी और कर्ड के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, आप जैसे बन चाहे इसे खा सकते हैं। और ये घर में झटपट आज ही बना के ट्राई कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। और ये जो डेकोरेशन आप देख रहे हैं मैंने खुद ही आइडिया करके बनाया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, देखिए, विज़िट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी आपके लिए आसान तरीके से बहुत सारी रेसिपी लाने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। तो टिल नाउ, बाय।